गाइस कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठें, जो हम लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स पूरा दिन हम पे गुस्सा होते रहते हैं और सुबह ना जल्दी उठने की वजह से हमारे बहुत सारे काम मिस हो जाते हैं और अगले दिन हम फिर से अपने आप से वादा करके सोते हैं कि कल हम जल्दी उठेंगे और अपना रूटीन चेंज करेंगे, है ना। हमारे लाइफ के दो शब्द जल्दी उठना आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सच में पूरे हो जाएंगे। मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हर किसी को पता है, लेकिन मुद्दा क्या है जल्दी उठना, जो पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। बहुत सारे आपने हमारे ज्ञानियों को कहते हुए सुना होगा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है आज, उनका रूटीन ही यही है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं और अपने सारे काम कंप्लीट करके टाइम पर सोते हैं। अब बात आ जाती है सुबह जल्दी उठने की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन तो अपने अंदर बहुत मोटिवेशन लेकर सोते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, जिसके लिए वो उठ भी जाते हैं, अलार्म भी लगा देते हैं और उसको बार बार ठप करके दबाते नहीं है बल्कि उठ जाते हैं। लेकिन उठने के बाद क्या होता है, जब 3-4 दिन ऐसे होने लगते हैं तो हमारी नींद हमें सताने लगती है, नींद की कमी होने लगती है और उस नींद की कमी को पूरा करने के लिए हम दोपहर के 1-2 घंटा इस टाइमिंग पर सोना शुरू कर देते हैं। और जब दोपहर में हम सोना शुरू करते हैं तो रात में हमें नींद लेट आती है, जिसकी वजह से उसके बाद हमारा रूटीन वापस से सुबह उठना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है और वापस से हम लेट होने लगते हैं, हमारे पूरे दिन के काम पेंडिंग चलने लगते हैं। तो आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ इसमें दो ऐसे आसान से सॉल्यूशन, जिसको फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। एक है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरा लॉजिकली और साइंटिफिकली बहुत काम करता है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। गाइस बात करते हैं अपने पहले चीज की, ठीक है। पहला सॉल्यूशन हमारा कैसे है जल्दी उठने का। आप जिस भी देश में रहते हैं और जब आपके सूरज उगने का टाइम है, ठीक है, तो उस सूरज उगने से आपको उठना है 1.5 घंटा मैक्सिमम या 1.25 घंटा पहले। वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी उस टाइमिंग पर उठने से क्या होता है, जब सूरज की पहली किरण आपके शरीर पर पड़ती है तो सूरज से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी हमें बहुत ज्यादा फायदे देती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1.25 घंटे पहले का अलार्म लगाना है और जब वो अलार्म बजेगा तो आपने गर्म पानी का ग्लास या कोई भी नॉर्मल पानी आपने हमेशा अपने बेड के पास रखना है और उसके बाद चाहे उसको आप ठप करके बंद करने लगे, लेकिन वो 2-3 ग्लास पानी जरूर पी लेना है। उसका फायदा क्या होगा जो साइंटिफिकली काम करता है, जब आप अगर वो पानी पीकर सो जाएंगे और आप सोचेंगे कि 10 मिनट बाद दोबारा मैं अलार्म लगाता हूँ या 10 मिनट की नींद और ले लेता हूँ, तो आपके पेट में इतनी तेज प्रेशर बनेगा वॉशरूम का, टॉयलेट का, तो आपको वॉशरूम जाने के लिए उठना ही पड़ेगा। और जब आप उठेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, अपने कमरे की, अपने पूरे घर की सारी लाइट्स ऑन कर दो, सारे कर्टेंस हटा दो, डोर्स ओपन कर दो, बिल्कुल अपने घर में रोशनी कर दो। उससे पहले क्या करो, वॉशरूम जाने से पहले चाहे जितना मर्जी पेट में दर्द हो रहा है, पेट पकड़ो अपना और फटाफट से बिस्तरा तय करो, उसके बाद वॉशरूम जाओ। तो जब आप आओगे तो आपका बिस्तरा सिमटा हुआ दिखेगा, आपके घर में इतनी ज्यादा रोशनी हो चुकी होगी, जो आपको मोटिवेट करेगा कि बस अब आपका दिन शुरू हो गया है, तो अब आपको बिस्तर नहीं पकड़ना। नहीं तो अगर आप बिस्तर नहीं समेटोगे, लाइट्स ऑन नहीं करोगे, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप दोबारा वॉशरूम से आकर रजाई में या अपनी चादर में बिस्तर में घुस जाओगे। तो ये साइंटिफिकली बहुत ज्यादा काम करता है, ट्राई करके देखना। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। और उसके लिए दूसरी बड़ी चीज इसके साथ जो फॉलो करनी है, नींद तो खुल गई, अब नींद खुल गई लेकिन पूरे दिन हमें चार्ज रहना है, राइट, पूरा दिन हमें अच्छे से काम करना है, उसके लिए हमें अपने 7-8 घंटे की नींद लेनी भी बहुत जरूरी है। तो चाहे आपके घर में कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई फंक्शन क्यों ना हो, एक्सेप्शन होते हैं केसेस, है ना, महीने में एक बार कोई फंक्शन होगा या 6 मंथ्स में एक बार होगा, कोई पार्टी होगी फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी ओकेजनली होगी, हर दिन तो नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, 9:15 बजे या मैक्सिमम 10 बजे तक आपने बिल्कुल सो जाना है, क्योंकि अगर आप 9:15 या 10:15 बजे सो जाते हैं तो अगर आप 4:15 बजे भी उठते हैं, 5 बजे जब सूरज उगता है, तो उससे तक आपकी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो चुकी होगी। और जब आपकी नींद पूरी होगी तो आप सुबह फटाक से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले से आप जल्दी उठ पाएंगे और उसके बाद में आप पूरा दिन एक्टिव फील करेंगे, आपको पूरा दिन नींद नहीं आएगी और आप पूरा दिन चार्ज रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरे तरीके के बारे में, जो मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये आप पे काम करता है या नहीं करता।
जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल जाती थी, तो मेरे घर के पास एक मंदिर था, वहां पे भजन चलते थे। तो हम हर किसी के लाइफ में जो म्यूजिक होता है ना, वो बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। आज भी सुबह वो घर हम शिफ्ट कर चुके हैं, बहुत दूर रह चुका है वो मंदिर, लेकिन उसके भजन आज भी मेरी अगर मोबाइल पे मैं चला देती हूँ तो वो एकदम मुझे चार्ज कर देते हैं और पूरे दिन की एनर्जी दे देते हैं, जिससे मैं बिस्तर से बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, चाहे वो सर्दी का टाइम हो या फिर गर्मी का समय हो। ठीक है, तो आपने भी ऐसा कोई म्यूजिक अपनी लाइफ से जोड़ना है जिससे कि आपको कोई पुरानी यादें आ जाए, आप इमोशनली अटैच हो जाए, आपको किसी की बहुत तेज याद आने लगे, आपके माइंड में वो म्यूजिक स्ट्राइक करे। तो वो म्यूजिक आप सुबह जब पहला अलार्म बजता है तो अपने फोन में किसी भी तरीके से अपने आप को तैयार करना है। हमारी बॉडी बहुत डीप है, हमारे माइंड में सबकॉन्शियस माइंड होता है जो उसको हमें एक्टिव करना है, प्रिपेयर करके सोना है कि आपने सुबह वो अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करना है। जब आप वो म्यूजिक प्ले करेंगे तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपके सेंसेस काम करने लगेंगे, थोड़ा सा आपको टेंशन होगा या इमोशन हो जाएंगे, तो आपका जो इमोशनल प्रोसेस होगा बॉडी का, वो आपके माइंड से एकदम से टेंशन होने से आपकी नींद गायब कर देगा चुटकियों में और आप फटाक से उठ जाएंगे। और ये इतने 101% श्योरिटी देती हूँ कि मैं ये काम करेगा ही करेगा, लेकिन आप पे कितना कर रहा है, मेरे बताए गए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पर ये काम किया है और मैं अब इसलिए आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके साथ साथ आप सुबह जब उठेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं कहेगी कि आप बिस्तरा तय कर दे, लेकिन आपने उससे काम लेना है, क्योंकि आप खुद सोचो जब आपका नेक्स्ट डे एग्जाम होता है तो आप प्रिपेयर करते हो ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं होता है एग्जाम है, मुझे उठना है, नहीं तो मिस हो जाएगा मेरा पेपर, या मेरी फ्लाइट है, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मुझे कैच करनी है। तो आप अपने लिए टारगेट बना के सो, तो रोज तो आप टारगेट नहीं बना सकते, रोज आपका एग्जाम नहीं हो सकता, फ्लाइट नहीं हो सकती, और जो हमारी बॉडी है ना वो बिल्कुल हमारी नहीं सुनती है। आप कितना भी मोटिवेशन मेरे से हो जाओ, अपने आप को मोटिवेशन करके सो, लेकिन सुबह सब मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, क्योंकि उसको सुनने के लिए भी आपको जागना जरूरी है, जिसके लिए हमारी नींद खुलती नहीं है। और अपनी नींद खोने के लिए मेरे ये दो तरीके आजमा कर देखना, उसके बाद कमेंट करना और मेरी इस वीडियो को जमकर शेयर करना अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।